राजस्थान में चुनावी शोर जोर पकड़ चुका है। सभी दल मतदाताओं को साधने की कोशिश कर रहे हैं। जाति की राजनीति भी खूब हो रही है, लेकिन इस बार चुनाव में राजस्थान की राजनीति में ब्राह्मण हाशिए पर है। कांग्रेस बीजेपी ने ब्राह्मणों को टिकट देने में खासा कंजूसी बरती। कांग्रेस ने 200 विधानसभा सीटों में कांग्रेस के 16 तो बीजेपी ने 20 टिकट दिए। पूर्व सीएम हरदेव जोशी कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे हैं। कांग्रेस का एक बड़ा वोट बैंक माना जाता है, लेकिन राम मंदिर आंदोलन के बाद ये वोट बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो गया। बीजेपी ने इस बार ब्राह्मणों को टिकट देने में खासा कंजूसी दिखाई। राजस्थान में ब्राह्मण राजनीति में हाशिए पर दिखाई पड़ रहे हैं। दोनों ही दलों ने आबादी के हिसाब से टिकट नहीं दिए हैं। राजस्थान में हरदेव जोशी के जमाने में ब्राह्मण कांग्रेस का वोट बैंक माना जाता था, लेकिन उनके निधन के बाद ब्राह्मण कांग्रेस से छिटक गए हैं। राम मंदिर आंदोलन के बाद पूरी तरह से बीजेपी में शिफ्ट हो गए। हरदेव जोशी मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचे, लेकिन दोनों ही दलों को ब्राह्मणों को उचित संख्या में टिकट नहीं दिया गया। दोनों दलों का जो फोकस है वो जाट एससी एसटी वोटर्स पर ज्यादा दिखाई पड़ता है। कांग्रेस ने 17 राजपूतों को, ब्राह्मण में 16, वैश्य में 11, गुजरों में 11 और 27 टिकट महिलाओं को दिए हैं, जबकि बीजेपी ने इस बार अपने कोर वोट बैंक यानी राजपूतों को कम टिकट दिए। बीजेपी ने 25 राजपूतों को, 20 ब्राह्मणों को और 11 वैश्य को टिकट दिए हैं। इसके साथ ही 10 गुर्जर और 20 महिलाओं को भी इनकी तरफ से टिकट मिला है। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने ओबीसी और आदिवासी कार्ड खेला है। टिकट बंटवारे से जातिगत समीकरणों का पूरा ध्यान रखा गया है। कांग्रेस ने 36 जाट, 33 एसटी और 34 एससी और 15 टिकट मुसलमानों को दिए हैं, जबकि बीजेपी ने 33 जाट, एसटी 30 और एससी को 34 टिकट दिए हैं। मुसलमानों को एक भी टिकट नहीं मिला है। बीजेपी ने हिंदुत्व कार्ड खेला है। 200 में से एक भी मुसलमानों को यहां नहीं उतारा गया। यही नहीं, मुस्लिम होने की आशंका के चलते अजमेर की मसूदा से भी टिकट वापस ले लिया गया है, जबकि विधानसभा चुनाव 2018 में बीजेपी ने अंतिम समय में यूनुस खान को सचिन पायलट के खिलाफ उतार दिया। यूनुस खान को इस बार टिकट नहीं दिया गया, उन्होंने बीजेपी छोड़ दी और अब वो जो है पहले तो निर्दलीय लड़ने का लगातार वादा कर रहे थे, लेकिन अब वो कांग्रेस के खेमे की ओर जाते दिखाई पड़ रहे हैं। राजस्थान में ब्राह्मणों की आबादी 85 लाख से ज्यादा है। ये आबादी 50 सीटों पर सीधा असर डालती है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव 2018 में 200 में से 18 विधायक जीत कर आए थे। राजस्थान की राजनीति में कांग्रेस में कभी ब्राह्मणों का वर्चस्व हुआ करता था, ब्राह्मणों के हाथ में सत्ता हुआ करती थी। हरदेव जोशी, जयनारायण व्यास जैसे दिग्गज नेता कांग्रेस ने ही दिए, लेकिन दोनों के निधन के बाद कांग्रेस में ब्राह्मण हाशिए पर चले गए, जबकि बीजेपी राजपूतों पर ज्यादा भरोसा जताती रही है। इस बार बीजेपी ने राजपूतों को कम टिकट दिए। भैरव सिंह शेखावत के समय से ही राजपूत वोटर्स बीजेपी का माना जाने लगा, लेकिन बीजेपी ने भी कांग्रेस की तर्ज पर जाट और एससी एसटी वर्ग को ज्यादा टिकट दिए। गौरतलब है कि 19 मार्च 2023 के जयपुर में हुए ब्राह्मण महापंचायत में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की मौजूदगी से ब्राह्मणों को ज्यादा से ज्यादा टिकट देने की मांग की गई थी। कई वक्ताओं ने मुख्यमंत्री तक बनाने की मांग कर डाली थी। रेल मंत्री ने कहा था कि ब्राह्मण वर्ग की रक्षा वो करने वाले हैं। यानी चुनावी ऐलान होने के पहले तक बीजेपी ने भी ब्राह्मणों को साधने के लिए खूब वादे किए, खूब कस्में खाई, लेकिन जब टिकट देने की बारी आई तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों दलों ने ब्राह्मणों को हाशिए पर कर दिया और कंजूसी दिखाई। फिलहाल अब देखना यह है कि आखिर अब की बार राजस्थान का ब्राह्मण वोटर किसके पाले में जाएगा, क्योंकि अगर दूर से देखा जाए, राजनीतिक विश्लेषकों की आंखों से देखा जाए, तो निश्चित तौर पर ब्राह्मण हाशिए पर हैं और इस बार दोनों ही प्रमुख दल, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस, उन्होंने ब्राह्मणों को टिकट देने में खासा कंजूसी दिखाई है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।